झिंझाना 28 सितंबर, सड़क कच्ची तो नौकरी पक्की और सड़क पक्की तो नौकरी कच्ची। क्या ये कहावत आज भी सार्वजनिक निर्माण विभाग पर लागू है? जी हाँ, सड़क पर चल रहे पेचिंग कार्यों को देखकर तो यही लगता है। गौरतलब हो कि झिंझाना से कैराना हाईवे पर पेचिंग कार्य चल रहा है, जहाँ हल्के गड्ढों को छोड़कर पेचिंग कार्य पूरा किया जा रहा है। चौधरी आदेश तोमर जमालपुर, मास्टर जाबिर हसन, पूर्व प्रधान अयूब हसन आदि ने उच्चाधिकारी को शिकायत करते हुए पेचिंग कार्य को पूरा करने की अपील की थी, परंतु मार्ग पर कार्यरत कर्मचारियों ने अपना नाम छुपाने की शर्त पर बताया कि उच्चाधिकारियों के कहने पर ही हम गड्ढों को सूखे रोड़े पत्थर से भरकर उस पर सूखी मिट्टी डालकर तारकोल मिक्स रोड़ी से पेचिंग कार्य कर रहे हैं। सड़क के जिन गड्ढों में सूखी रोड़ियाँ नहीं आ सकती, उन्हें हमें भरने को नहीं कहा गया है, इसलिए उन्हें छोड़ा जा रहा है। परिणामस्वरूप इसी योजना अनुसार हाईवे का पेचिंग कार्य जोरों पर है। ग्रामीणों का आरोप है कि हाईवे के हल्के गड्ढों को क्यों छोड़ा जा रहा है, जिसका आवागमन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। बीते साल भी इसी प्रकार अधूरे कार्य के साथ पेचिंग कार्य किया गया था। क्या यह सरकार एवं ग्रामीणों की आंखों में धूल झोंकने को नहीं साबित हो रहा है? आरोप है कि सड़क पर पेचिंग कार्य के कोई मानक भी पूरे नहीं हो रहे हैं। गाड़ी वाले चौराहे के निकट मिस्त्री बाबू खरादी के सामने नाले का पानी रुकने से सड़क टूटती है। जल निकासी का प्रबंध किए बगैर 2 दिन पहले उस हिस्से का जीर्णोद्धार कर दिया गया था, मगर आज फिर पानी के कारण टूट गया है। क्या सरकारी मशीनरी की यही जिम्मेदारी है? ग्रामीणों ने जिलाधिकारी महोदय से शिकायत कर सही कार्य कराने की अपील की है।